नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2021 के ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और इसके बाद लगातार जो है इस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं कि मेरिट कहां तक जा सकती है। तो इसके पहले कि हम लोग जो मेरिट के बारे में पूर्वानुमान एग्जैक्ट लगाएं, उसके पहले हम प्रश्न पत्र के विश्लेषण को देखेंगे और इसके बाद में जो हम लोग मुख्य परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर मेरिट के बारे में जो है चर्चा करके अपने समय को जो है गंवाना उतना बुद्धिमानी नहीं है जितना यह है कि इस समय का हम जो मुख्य परीक्षा में जो है व्यवस्थित तरीके से अपने प्रश्न पत्रों के अध्ययन में लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रश्न पत्र के विश्लेषण में दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या था, क्या वो पैटर्न पिछले प्रश्न पत्र की तरह से था या इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था, सीटें क्या है, किन विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं और मेरिट क्या जा सकती है। इन सभी बिंदुओं को जो है हम लोग इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित करते हैं। तो जैसे एक पॉइंट होता है, पैटर्न होते हैं, विषय होता है किन विषयों से कैसे सवाल पूछे गए हैं, सीटें क्या होती हैं और इसमें मेरिट कहां तक जा सकती है, इन सभी जो है सवालों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। पैटर्न की जहां तक बात है, पिछले 2 से 3 सालों से अगर देखा जाए तो लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्र के पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बनाया है, कहीं कहीं एकदम फैक्ट भी पूछे जाते हैं, लेकिन वह जो है पूरी तरीके से पहले की तरह से प्रश्न पत्र अब नहीं पूछे जा रहे हैं और वह यूपीएससी के तर्ज पर जो है अपने प्रश्न पत्र को कहीं कूट से, कहीं मिलान से, कहीं कथन कारण से जोड़ करके थोड़ा सा व्यापक बनाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से प्रश्न पत्र का अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो पिछली बार से वो स्टैंडर्ड कम नहीं था, कमोबेश वैसे या कुछ प्रश्नों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं कुछ जटिलताएं देखी गई हैं, जैसे कि जो है विषयों में और कुछ विषयों से जो प्रश्न जैसे इतिहास से थे, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिसमें लोगों को जो है परेशानियां हुई और यह परेशानी ही अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार के जो प्रश्न पत्र को थोड़ा सा विशिष्ट और जटिल बनाता है। तीसरी बात यह है कि सीटों की अगर बात की जाए, क्योंकि ये सारी फैक्टर जो है वो मेरिट में निर्धारक होते हैं, तो सीटें जो है वो 530 से लेकर के जो है 650 के बीच में रहने की जो है संभावना है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद जो है प्री के रिजल्ट आने तक की कुछ सीटें और भी उसमें जो है बढ़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें 100 से 150 सीटें और बढ़ सकती हैं या उतनी रह सकती हैं, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि उसमें कुछ ना कुछ सीटें जरूर बढ़ती हैं। तो आपकी जो सीटें हैं वो जो है 530 से लेकर के 650 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी और यही सीटें जो है पिछले कई वर्षों के जो है ट्रेंड रहे हैं, अर्थात इसमें जो है सीटों की कमी नहीं है, यानी कि जो ट्रेंड अभी तक बने हैं उसी के आसपास सीटें रहेंगी। अब इनके आधार पर मेरिट का जो निर्धारण है वो यही है कि अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार मेरिट जो है ज्यादा नहीं जाएगी और इसके जो है मेरिट के जो है 81 से 84 के बीच में जो है रहने की संभावना है, मेरिट के 81 से 84 के बीच में रहने की संभावना है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये मेरिट जो है पिछली बार से 1-2 सवाल कम जाएंगे, इसके भी पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। 4 से जो 5 विशिष्ट प्रश्न, अभी हम इसको विश्लेषित करेंगे कि ये किस तरीके से विशिष्ट जो है प्रश्न बन रहे हैं। और दूसरी बात इसमें जो है सीसेट का मैटर, और तीसरी है जो है संख्या, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर क्वालिफाइड फॉर मेंस, मतलब जो संख्या जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है क्वालिफाई करेगी जो है उसके बारे में, क्योंकि ये पिछली बार की अपेक्षा से कुछ इसमें वृद्धि की गई है, 0.5 की जो वृद्धि की गई है, तो ये मान के चलिए कि इस आधार पर जो है कुछ स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में मेरिट थोड़ी सी जो है कम जाएगी और सीसेट का मैटर भी इस बार कुछ कम नहीं रहा है। और जब से मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं तब से लोगों ने इस पर जो है ध्यान देना बंद कर दिया, ऐसी स्थिति में जो है काफी ऐसे स्टूडेंट दिखाई पड़ रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स 88, 87, 90 या 92 क्वेश्चन है, फिर भी वो सीसेट में आकर 30-32 पर रुक रहे हैं, अर्थात वो अंतिम रूप से चयन सूची में शामिल नहीं होंगे, तो इस कारण से भी मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी। और 4 से 5 ऐसे विशिष्ट सवाल थे जो अपने स्वरूप में सीधे सीधे दिखाई पड़ते थे लेकिन वह उतने सीधे नहीं थे जितना कि जो है लोग समझ रहे थे, और लोक सेवा आयोग के आंसर की जारी करने के बाद सभी लोगों के 2-3-4 क्वेश्चन जो है घटे हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो भी प्लेटफॉर्म और कोचिंग संस्थान थे उन्होंने अभी तक जो आंसर की जारी किया हुआ था उसके अपेक्षा सभी के 3 से 4 सवाल लगभग लगभग घट रहे हैं, यानी कि 2-3-4 सवाल के आसपास घट रहे हैं। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं जो है मेरिट को जो घटाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। तो इन सभी फैक्टर्स का अगर विश्लेषण किया जाए तो मेरिट पिछली बार से 1 से 2 क्वेश्चन कम ही जाएगा, ज्यादा जाने की संभावनाएं नहीं है। तो इस तरीके से जो है 81 से 84 के बीच में आपकी मेरिट रहने की जो प्रबल संभावना है। ये तो विषय था जो है प्रश्न पत्र का विश्लेषण विभिन्न पक्षों के आधार पर और मेरिट का पूर्वानुमान। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है जो कि सबसे ज्यादा रणनीतिक है आप लोगों के लिए, एक प्रतियोगी के लिए, मुख्य परीक्षा में गंभीरता से उतरने वाले कैंडिडेट के लिए जो है, क्योंकि इन सभी बिंदुओं को जो सोच के अपना समय नुकसान करना किसी भी तरीके से बुद्धिमानी नहीं है। एक गंभीर स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो है 1 से 2 दिन रेस्ट और अपने प्रश्न पत्रों को देखता है और उसके बाद वह तत्काल जो अपने मुख्य परीक्षा की जो है रणनीतिक तैयारी में जो है अपने आप को जो है लगा देता है, क्योंकि उसके पास इसके बारे में सोच करके समय नुकसान करने के लिए समय जो है नहीं होता है और उसे जो है अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जो है लग जाना चाहिए। और इसकी जो स्ट्रेटजी है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा की। प्रश्न पत्र जो भी कुछ रहा हो आपने अपनी पूरी क्षमता ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रारंभिक परीक्षा में लगाया, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए था। अब ये बात और है कि मेरिट जो भी जाएगी, आपकी स्थिति जो भी है, मुख्य परीक्षा के लिए अगर आज से देखा जाए तो आपके पास लगभग जो 90 दिन का समय बचता है, क्योंकि जनवरी के लास्ट में आप लोगों के जो मेंस जो है निर्धारित किए गए हैं अभी के आधार पर। तो मे भी इसमें जो है कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अभी आपको यही मान के चलना है। और चूंकि कोविड जैसी कोई परिस्थितियां देश के समक्ष सौभाग्य से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पेपर इसी पर होने की पूरी संभावना है। और अगर 90 दिन और आपके लिए जो 8 पेपर को देखा जाए तो आपके लिए जो प्रत्येक पेपर पर जो है 11 या अधिकतम जो 12 दिन का समय मिलता है। अब आप ईमानदारी से सोच करके ये देखिए कि 8 प्रश्न पत्र और हर प्रश्न पत्र का अपना एक व्यापक जो है दायरा है, और उस दायरे को कवर करने के लिए क्या आपके पास 11 से 12 दिन का पर्याप्त समय है। अगर आप इस पे ईमानदारी से सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आज से ही आप जो है अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। एक तो बात यह है कि निर्णय लेना की तैयारी हमें प्रारंभ करना, और दूसरी बात प्रश्न पत्रों के जो है जटिलता और मेरिट के उलझनों में अपने आप को फंसाना। अगर मान लीजिए 81 से 84 का जो एक अनुमान है, मान लीजिए आपके प्रश्न जो है 80 ही है, क्या आप इस स्थिति में क्या करेंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आपके 80 ही सवाल बन रहे हैं तो क्या आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और यह 3 महीने का जो समय है, क्योंकि अगले 3 महीने में तो कोई प्रारंभिक परीक्षा आपका होने नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप जो है प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी ना करके मुख्य परीक्षा में जो है अपने आप को जो है लगाएंगे और मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी होगी। और ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा पूरी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए ही होता है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा के भी कुछ ना कुछ पोर्शन होते हैं। और अगर आप ईमानदारी से इसकी तैयारी करते हैं तो कहीं ना व्यापक संदर्भ में वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी उससे होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है आपके समक्ष केवल एक ही विकल्प यही है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में अपने आप को लगा देंगे अपने अनुसार, कि आपके प्रश्न आपके पेपर किस तरीके से तैयार हैं। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति की अच्छी पकड़ होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं या जिनमें पकड़ नहीं होती। जैसे GS का 4th पेपर है, कुछ स्पेसिफिक किस्म का है, उसके भाव को अगर समझे बगैर आप आंसर लिखते हैं तो बेसिकली बहुत कम नंबर हो सकते हैं। और अगर आप एग्जामिनर के मूड के अनुसार लिखते हैं, कमीशन की जो डिमांड होती है उसको ध्यान में रख करके आंसर लिखते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स भी इसमें मिलते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न पत्र को ध्यान केंद्रित करके जो है आप समझिए 4th पेपर को, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे होंगे या चेंज करने का निर्णय लिया होगा तो निश्चित तौर पर वो अलग विषय है आपके लिए, नया विषय है, तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से जो है पढ़ना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो 10 और 11 दिन का प्रति पेपर पर औसत जो है समय आपको मिल रहा है, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से तैयारी, बहुत ही स्ट्रेटेजिक ढंग से जो है अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप इतने कम समय में अपने संपूर्ण जो सिलेबस का अध्ययन कर पाएंगे और बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अगर आप
कुछ इस असमंजस की स्थिति में होगा या नहीं होगा, तो आप ऐसी स्थिति में जीएस से अपनी जो है शुरुआत कर सकते हैं। जीएस के तीनों प्रश्न पत्र और आप अपने सब्जेक्ट इस जो है सेक्शन से अपनी अगर तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रारंभिक परीक्षा में कॉमन होता है। तो इस तरीके से रिजल्ट आने के बाद अपने शेष जो है तीन पेपर की और तैयारी कर सकते हैं। पहले पांच पेपर पर तो आप अपनी जो है तैयारी प्रारंभ ही कर सकते हैं कि एक सेक्शन आप जीएस का उठाएं और एक अपने जो है सब्जेक्ट का उठाएं और अभी से तैयारी के लिए जो समय बचा हुआ है उसमें अपनी पूरी क्षमता जो है झोंक दें। इस तरीके से प्री के रिजल्ट आने तक तो क्लियर ही हो जाएगा कि आपकी स्थिति कहाँ पे रहेगी, और अगर वहाँ पे आपका चयन होता है, क्वालिफाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर शेष बचे दो से तीन पेपर की तैयारी आप उतने कम समय में कर पाएंगे। और प्री के रिजल्ट आने के बाद अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि हमें तैयारी करना है, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो यही रणनीति आपके लिए है कि आप जो है हर प्रश्न पत्र के लिए अपना समय डिवाइड कीजिए, और जिन प्रश्न पत्र की जो है आपकी बेहतर तैयारी हो उसकी अपेक्षा जो है जिन पे कम तैयारी हो उस पे अपना ज़्यादा समय दीजिए, और इस तरीके से मुख्य परीक्षा में जो है आप संलग्न हो जाइए। एक गंभीर स्टूडेंट जो मुख्य परीक्षा के लिए जो समर्पित होता है उसकी यही रणनीति होती है, वो प्रारंभिक परीक्षा के बाद तत्काल उस पे लग जाता है। यद्यपि मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है आपकी इसके पूर्व में हुई होगी, क्योंकि इसके पहले के जो समय आपके मिले होंगे उस पे आप जो है अन्य सभी विषयों का एक सामान्य अध्ययन आपने जरूर किया होगा, लेकिन एक रणनीतिक एक कौशल पर आधारित जो है आपने लिखने की जो क्षमता है इन सारी चीजों को आप देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लास्ट में जो है 15 डेज आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे कि लास्ट के 15 डेज आपके पास बचे, इसको भी ध्यान में रखना है। और आपके पास जो 8 पेपर हैं, यानी कि एक दिन के अंतराल पर आपको जो है एक एक पेपर के जो प्रश्न पत्र को भी हल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक एक दिन के अंतराल पर एक एक प्रश्न, यानी कि आपको 8 प्रश्न पत्र सबसे पहले आपको अपने जो है आवास पर, अपने जो है स्टडी रूम में जो है पेपर की तरह से ही जो है एक फॉर्मेट पर आपको हल करने होंगे। इससे कई वर्तनी संबंधी जो है त्रुटियां, इससे जो है समय प्रबंधन की समस्या, इससे परीक्षा में हेजिटेशन की समस्या, ये सारी चीज़ें जो है दूर हो जाती हैं। और इस तरीके से करके आप अपने जो है स्तर को और ऊंचा कर सकते हैं। हर प्रश्न में 1 से 2 नंबर बढ़ा करके आप पूरी तरीके से जो है अंतिम परिणाम में अपना स्थान बना सकते हैं। तो ये जो लेखन के लिए जो समय है, लेखन अभ्यास, इसको आप ये कह सकते हैं कि लेखन अभ्यास, और ये लेखन अभ्यास बिखरे हुए सवालों पर आधारित नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप में प्रश्न पत्र पर आधारित आपका जो है अभ्यास होना चाहिए, जिससे आपके समय प्रबंधन, हेजिटेशन, वर्तनी की अशुद्धि, ये सारी चीजें जो है वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। और आप जब मुख्य परीक्षा में वास्तविक रूप में बैठेंगे तो आपके पास कोई डर नहीं होगा, अपनी लेखनी के ऊपर, अपने समझ के ऊपर आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, और इसके साथ आप अपने लक्ष्य को जो है फतह करने में जो सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के जो है प्रश्न पत्र का विश्लेषण और मुख्य परीक्षा की रणनीति की इस संक्षिप्त चर्चा में जो है हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको एक दृष्टिकोण मिला होगा, और इस दृष्टिकोण के साथ आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप अपने आप को संलग्न कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका अंतिम रूप से चयन हो, ये इस तरीके की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।